करेगा तो शर्मा जी के घर की लाइटें कब ठीक करेगा बात कर सर कर रहा हूं चेक पूरे मोहल्ले की लाइटें आ गई हमारे घर की नहीं आ रही बस पता नहीं ये लाइट चालू ही नहीं हो रही है सर अच्छा तो अब अब क्या सर बाबा हाँ बोल मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हो गया अरे टीटू छोड़ दे दिए बहुत है दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सर बेटे ट्वेंटी फोर सेवन ज्वाइन किया और एस एस सी एग्जाम क्लियर किया है जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो घर अपने आप रोशन हो जाते जाता है अलीजी, ओ, क्या <laughs> अरे तो बच्चो आ गया है एस एस सी सी जेल दो हजार बाईस का नोटिफिकेशन इस साल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है पूरी बीस हजार से ज्यादा ये स्टूडेंट्स बीस हजार वेकेंसी जो है वो अनाउंस करी गई है और अब एस एस सी वैसा नहीं रहा कि आपको लगता है कि मैथ्स और इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो एस एस सी हमारा क्लियर हो जाएगा नहीं क्योंकि इस बार हुआ है एस एस सी में बहुत बड़ा बदलाव इसीलिए अड्डा ट्वेंटी है एस एस सी सी जी एल टू पॉइंट क्या है वो बदलाव सबसे पहला बदलाव बच्चों प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है बच्चों वो हुआ है मेन्स में।, में में जहां पे पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही होते थे अब मेन्स के पेपर में मैथ्स भी है रीजनिंग भी है इंग्लिश भी है जर्नल तेईस परसेंट ठीक है इंग्लिश हाँ तो का, का वेटेज जो पहले पचास परसेंट होता था, था वो घटकर हो गया है पैतीस परसेंट रीजनिंग का पेपर जो कि इस बार उन्होंने मेन्स में इंट्रोड्यूस करा है उसका वेटेज मैथ्स के बराबर है तेईस और साथ साथ जर्नल अवेयरनेस का जो पेपर है वो भी इन्होंने मेंस में इंट्रोड्यूस करा है जिसका वेटेज है 19 परसेंट हाँ बच्चों और कंप्यूटर का क्वालिफाइंग पेपर है तो बच्चों अब आपका सिलेक्शन होगा पांचों सब्जेक्ट्स के साथ ठीक है तो उसके लिए आज ही शुरू करें अपनी तैयारी एस अड्डा के साथ हमारे लाइव बातचे शुरू हो गए हैं आज ही डाउनलोड करें अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा ट्वेंटी जॉब है तो रॉब है हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट एस एस सी आडा ट्वेंटी फोर सेवन पे आपका स्वागत है चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और इस सेशन से एक ही बात क्लियर करनी है कि मेरे हेयर कटिंग पे कोई कुछ नहीं बोलेगा हाँ नहीं मुझको पता था कि कई लोग बोलेगे अरे सर कैसे बाल कटा लिए कैसे पतले दुबले से हो गए यार कभी तो बाल कटाना था ना तो मैंने बाल कटा लिया और अगर मेरे हेयर कटिंग पे कोई बोला तो किसी दिन मेरे घर के बगल से गुजरा ना तो एक मैं डॉगी पाला हूँ छोड़ दूंगा देख लो यार मैटर वेटर देख लो ठीक है ना तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और आज के सेशन में सबसे बेहतरीन क्या है आलोक सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक वाले पे जा करके थोड़ा चेक करिएगा और वो सबसे अच्छा क्या है वो ये है हाँ अब तो सबसे अच्छा वैसे ठीक है ठीक है सर आ, वो एक्चुअली सर है मैं उनसे भी बात कर रहा था तो आ, मतलब कि क्या आज हम लोग को करना है पढ़ना है यार आज पढ़ना है ठीक है ना और आज चूंकि दिन भर यहाँ गुड़गांव में दिल्ली में पूरे एरिया में बारिश हुई ठीक है ना पूरे एरिया में बारिश हुई तो माहौल बन गया कि सब लोग आज थोड़ा थोडा सा माहौल बना तो मैंने आज एक बात नोटिस की कि एसएससी अड्डा के फैकल्टी बिहार अड्डा के फैकल्टी बैंकर्स अड्डा के फैकल्टी सभी ने कुछ ना कुछ अपनी अपनी शायरियां सुनाई मैं सबका सुना मैंने कुछ लोगों का ना जानबूझ के नोट कर लिया कि लाओ पेज तो फट गया लेकिन मैंने नोट ओट कर लिया ये छीना झपटी में फट गया अरे नहीं यार आंसू नहीं यार अब देखो आ, मतलब कि आज तुम लोग को सेशन के बीच बीच में तुम लोग को ये बताना होगा ये कौन से सर के लिए सूट करती है बाकी मैं तुम लोग को आज बताऊंगा कि आज का जो शानदार सेशन है वो कैसा जाएगा तुम लोग रेडी हो जाना ठीक है ना अरे यार वो बाल काट दिया यार अब हम क्या बताएं हमने बस उसको इतनी छूट दी थी कि भैया तुम बाल काट दो जैसा तुम्हारा मन हो मैं जा रहा हूं आधे घंटे सोने और उसने काट दिया काट दिया तो काट दिया ठीक है ना घर की खेती यार 25 दिन बाद फिर बढ़ जाएगी नहीं अच्छा है मत रहे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है ना मैं आज आपका किताब झारखंड से ऑर्डर किया हूँ सर जी कब तक आ जाए बस थोड़ा देर बस तुम चाय पियो हम लेके आ रहे हैं झारखंड किताब तुम्हारी इसी किताब की बात कर रहे हो ना तुम चाय पियो हम झारखंड तक लेके आ रहे हैं रुको 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 झारखंड तक लेके आ रहे किताब। चलो करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं जीडी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा और देखते हैं कि अच्छा ये बताओ एक बहुत आपके रीजनिंग के फैकल्टी हैं वो ये सारी बोलते हैं और मैं बता दूं वो इस चैनल पे नहीं है और तुम लोग अगर जानते हो तो जरा बताओ उनकी शायरी देखो देखो मुझे याद तो नहीं है लेकिन आज मैं थोड़ा सा उनका ऐसा है लपक कर चलते थे सरारे जैसे थे हम लपक कर चलते थे थे सरारे जैसे थे। जब हम भी नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे बताओ ये कौन से सर शायरी बोलते है? बताओ फिर से देख लो समझ लो ये बड़े अपने टोन में बोलते उनकी बड़ी फेमस टोन है कि लपक कर चलते थे सरारे जैसे थे जब भी हम जब हम भी नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे ये मैं बताऊं कौन बोलता है डीके सर ये डीके सर की शायरी है और आपको मैं बता दूं आज थोड़ा सा आज आज हम खुश थोड़ा बारी वा, बारिश वारिश हुई है ना यार समझ रहा हो ना बारिश हुई है ना तो बड़ा मजा आया ठीक है ना बड़ा मजा आया कि इन लोग का जो हिडन टैलेंट था हमारे अड्डा के कुछ फैकल्टीज का वो अः सामने आया शुरू करें आज के सेशन का ठीक है ना शुरू करें आज के सेशन का आ, अच्छा अतुल सर जी अतुल सर जी ने भी आज एक बड़ी अच्छी शायरी सुनाई उनकी भी एक शायरी सुना दूं उसके बाद आगे बढ़ता हूं सुना कि आज सर ने कौन सी बेहतरीन शायरी सुनाई देखो अतुल सर की शायरी वो महफिल सजाकर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी आज अतुल सर सुनाए हैं वो महफिल सजा कर, कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी और मैं जैसे ही पहुंचा कहने लगे अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी वाह वाह क्या बात है तो ये डेडिकेटेड अतुल अतुल सर के लिए उन्होंने ही आज सुनाया तो थैंक यू कि तुमने अच्छी सारी सुनाई और वो आज मेरे स्टूडेंट्स के काम आया चलिए क्वेश्चन करते हैं आज का शुरुआत करते हैं देखते हैं कि आज का शुरुआत क्या है कोई भी ना ये समझे कि ये शायरी हमारी सारी चोरी की जो आज हो जाएगी तुम्हारी हाँ ये मेरी शायरी थी कोई भी ना ये समझे कि ये शायरी हमारी ये है चोरी की और हो जाएगी तुम्हारी ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अभी तो पहला क्वेश्चन नहीं आया यार आज तुम्हें तो बातचीत में खो गया ये लो पहला क्वेश्चन अच्छा आज का सेशन ऐसा है कि टॉप टेन पॉलिटी एमसीक्यू फिर दस हिस्ट्री के दस जियोग्राफी के दस केमिस्ट्री के दस करेंट अफेयर के ऐसा ठीक है ना और दस दस करके हम सुनाएंगे ठीक है ना दस दस करके तो अरे दस दस करके मतलब क्वेश्चन आएंगे तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये पॉलिटी का ये रहा वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति 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 चलो भैया बताओ के बारे में पढ़ करके कि, कि लोकसभा का सदस्य होता है अरे नहीं सर सर वो राज्यसभा का सदस्य होता है हाँ सर किसी भी सदन का सदस्य होता है नहीं सर एम सांसद नहीं होता है सर ना वो राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता नो वो सांसद ही नहीं होता ठीक है ना सच तो यही है कि वो सांसद ही नहीं होता है यही लाइन सही है ठीक है ना यही लाइन सही है अगला क्वेश्चन किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था सोच समझ के बताओ किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का मतलब पूरा पूरा पांच पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था और वो पूरा किया था मेरे भाई आपके ए ऑप्शन एस राधा कृष्णन तुम लोग अगले क्वेश्चन का जरा आंसर करो तो मैं ना थोड़ा सा माइक लेके वो लेके आ जाओ यहां अगला क्वेश्चन से एक सेकेंड तुम लोग वेट करना एक सेकेंड करो आ, ये ना इसे चेंजिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है समझ रहे हो तो इसको लेना बहुत जरूरी था कि यार चेंज वेंज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है इसको अब वो नहीं रहता है ना तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है दस क्वेश्चन पॉलिटी के फिर दस हिस्ट्री के तो भैया वो किसका एक अभिन्न अंग है ए ऑप्शन पार्लियामेंट संसद का नेक्स्ट पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ ठीक है ना पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था मेरे भैया इसके अध्यक्ष हुआ करते थे के सी नियोगी और आंसर है उन्नीस में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है जो फाइनेंस कमीशन बनता है जिसका आपका जिक्र आर्टिकल 280 में मिलता है वह कितने वर्ष पे नियुक्त किया जाता है तो सर इसका राइट आंसर आपके बी पांच वर्ष अगला भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है सोच समझ के बताइएगा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्त मेरे भाई ए एक लोग जो मेरे बाल पे कमेंट कर रहे हो ना आज ही कटवाए हैं समझ रहे हो ना तो मतलब कमेंट ना करो यार क्या है <laughs> मतलब क्या है ठीक अबे वो काट दिया तो काट, हमने उसको ये छूट दिया था आज एक लोग कह रहे हैं सर आपके बालों को क्या हुआ दोस्त हमने आज बार बार को ये छूट दिया था कि मैं आधे घंटे चुपचाप चेयर पे सो जाता हूं तुम बालों को काट लो अब उसने जो काट के रख दिया वो रख दिया अब मत चिड़ाओ हमको ठीक है ना निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो दो बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे बताओ तो दो बार सर राष्ट्रपति के पद पे दो बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें हम लोग आजाद शत्रु कहते हैं भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं दस क्वेश्चन ही रहेंगे पॉलिटी के फिर दस जियोग्राफी के ठीक है ना सर जी कितने दिन में आएगी आपकी किताब बेटा कुछ दिन में पहुंच जाएगी अमेरिका ठीक है ना अगला कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है किसका कते? बस यहीं पे हो गया गलत अभी तक तो बड़ा तेज आंसर कर रहे थे अब यहां पे पर जाओगे फेल क्योंकि अब इंजन हो गया फेल अब यहां का आंसर है लास्की इसका स्क्रीन ले लो ठीक है ना ठीक है ना इसका अगला मूलभूत अधिकार मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है सर यह है आपके डी थर्ड में पॉलिटी के दस क्वेश्चन खत्म जियोग्राफी के दस क्वेश्चन हो जाए देखो आज दस दस क्वेश्चन का सेट है आज मैंने थोड़ा सा प्रयोग करने की कोशिश किया कि थोड़ा तुम लोग का मन लगे तो अगर यार ये प्रयोग पसंद आ रहा है तो एक बार सब लोग लाइक ठोक दो तो एक बार सब लोग लाइक कर दो अगर ये प्रयोग पसंद आ रहा है तो दस क्वेश्चन अब जियोग्राफी के आ जाओ कीली मंजारो एक है बताओ कीली मंजारो और ये सारे के सारे क्वेश्चन इस किताब में दिए हैं ये बात याद रखना जो किताब मैं तुम लोग को परचेस करने कहता हूं तुम्हारे जीडी के 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 एग्जाम लिए सारे के सारे दिए हैं सब पे आज ऑफर भी है ठीक है ना सब पे ऑफर भी है और एक चीज और बता दूं मेरे दोस्त कि उस इस बुक को लेने के लिए वो लिंक नीले रंग की देखो जीके जीएस बुक लगी है बस उस पर क्लिक करोगे और एक कूपन कोड उपयोग कर लोगे वाई वन ए टू एस और ये किताब हो जाएगी तुम्हारी दो सौ रुपए में दो सौ रुपए में यह कूपन कोड है वो नीले रंग का दिया हुआ है आपका लिंक और यह है तुम्हारा कोड ठीक है अपर्दन चक्र सिद्धांत पैंक ने अरे पैंक तो याद ही नहीं होगा अगला फीजी द्वीप अवस्थित है तुम्हारे जीडी के पेपर के दस वो क्वेश्चन जिसकी संभावना आपके गलत करने की सर्वाधिक है वो आपके बोर्ड पे हैं और तुम दिल पे हाथ रख के बड़ी तैयारी कर रहे हो ना सचमुच तुम्हें इसमें से 80 प्रतिशत लोग को आंसर नहीं आता चाहे वो जो भी कह लें बी ऑप्शन प्रशांत महासागर में अगला देखो अब देखो ये ये वाला 90 प्रतिशत लोग को आता है और इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में अगर पेपर में आ गया तो कंपटीशन है ही नहीं इसका ये क्वेश्चन आते हैं कटाफ बढ़ाने के लिए कि सर सौ में कितना कटाफ जाएगा तो बहुत जाएगा ठीक है ना पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है बताओ <coughs> तो कितनी प्रति मिनट 28 किलोमीटर ठीक है ना 28 अगला क्वेश्चन विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत देखो 90 प्रतिशत लोग गलत 90 प्रतिशत लोग झोंक के गलत झोंकेंगे देख लो आंसर करके देख लो स्क्रीन पे तुम लोग भी देख लेना अगर गलत ना करे तो कह देना गुरुजी गलत नहीं किए ये देख लो मैं बताऊं भैया गलत होगा और कंफर्म होगा और इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन इस किताब में शामिल है मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं तुम लोग क्योंकि भैया आज ऑफर है आज इस किताब को ले लो नीली लिंक लगी हुई है कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे विश्व के अस्सी प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं बताना जरा अस्सी प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं मेरे भैया ए ऑप्शन आपके आपके मध्य महाद्वीपी पेटी में और प्रशांत पेटी में गलत हो रहा है ना दिल से सोचना यार कि गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो ठीक है अगला विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी यह तुम्हारे जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है ठीक है ना प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर मेरे भैया वर्ष अगला बस 20वां क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट चेंज क्योंकि मैं दस दस क्वेश्चन पे सब्जेक्ट आर्ट चेंज कर रहा हूं सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है मैं बताऊं जीडी के पेपर में जियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा उसमें भी वर्ल्ड जियोग्राफी तुम्हारे सिलेक्शन होने और न होने के बीच में ये बात याद रखना तुम्हारे सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में ठीक है ना और मैं बार बार कहता हूं मैं बार बार कहता हूं कामयाबी सुबह जैसी होती है मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है कैसी होती है कामयाबी कामयाबी मेरे दोस्त एक सुबह के जैसे होती है यह तुम मांगोगे तो नहीं मिलेगी लेकिन अगर तुम जाग जाओगे तो यह मिल जाएगी इसीलिए कामयाबी सुबह जैसे होती है मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है इसका आंसर है डी नेपाल अगले क्वेश्चन पे जाते हैं ठीक है ना अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अब देखो टॉप टेन साइंस क्वेश्चन लाए देखो दस हम लोग पॉलिटी के पढ़ लिए दस हम लोग जियोग्राफी के पढ़ लिए आज अगर तुम लोग साथ दोगे तो दस 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 करके मैं सौ क्वेश्चन का सेट तुम लोग को आज करवाऊंगा लेकिन एक शर्त एक नारा भैया तो नीतीश यादव तुम उस दिन लग, देखो नीतिश यादव लाइव कमेंट में कह रहे हैं कि सर जब मैंने यह किताब खरीदी तो मेरा दो सौ लग गया जानते हो नीतिश उस दिन ऑफर नहीं रहा होगा बेटा क्षमा कर देना जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा दुगुना तुमको वापस करूंगा लेकिन आज वाई वन एट टू एस कोड से ऑफर चल रहा है आज ये किताब अधिकतम दो रुपए की पड़ेगी बल्कि अड्डा के ऐप से लोगे तो सस्ती उस उसपे देखो एक नीले रंग का लिंक भी लगवा दिया हूं उस लिंक से तुम लोग आसानी से क्लिक करके खाता खरीद लोगे अगर तुम्हारे पास वो अड्डा का ऐप होगा तो नहीं तो अड्डा का ऐप डाउनलोड कर ले नहीं होगा तो उस लिंक से डाउनलोड हो जाएगा ठीक है ना चलो अगला आते हैं सक्कर के किड़वन से क्या बनता है अब दस क्वेश्चन पढ़ के ही कोई बात होगी ठीक है ना पढ़ाई के बीच में नो no डिस्टर्बेंस ठीक है पढ़ाई के बीच में शक्कर के किड़वन से क्या बनता है ए ऑप्शन इथाइल अल्कोहल वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम कम करती है और शांति प्रदान करती है सर वो तो रात में ही हम लोग को पता चलेगा कौन शांति प्रदान करेगी कौन टेंशन देगी या कौन टेंशन देगा समझ रहे हो ना तो तुम लोग की औषधि दूसरी है वो हमको पता है लेकिन यहां तो फिलहाल प्रशांतक है हरे पौधों के फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है ये मैक्सिमम लोग आंसर कर दोगे ठीक है ना हाँ भैया के लिए भी काम आएगी सर मैंने फतेहपुर में ऑर्डर किया कब तक आ जाएगी रेखा बेटा बुक यार देखो दस से पंद्रह फतेहपुर पहुंचने में ठीक है ना और ए ऑप्शन एथिलीन अगला वाणिज्य में टेरिलीन कहां पाए जाने वाला देखो क्वेश्चन देख करके तुम यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया करो कि तुमसे कितना बनता है कितना नहीं बनता है वाणिज्य में टेरिलीन आर्टिफिशियल रेसा में प्रयुक्त होता है ठीक है ना अगला के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन सा संबंधित है लुई पास्चर, जे नाइस फोर, नाइप से जान कार्बार्ड या डॉक्टर वेलेस एच कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है ना <coughs> कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है डी डॉक्टर वाले एच कारथास अगला सुक्रोज के जल अवघन सर क्वेश्चन कठिन कट, पड़ रहा है ना हालांकि तीसवे के बाद चेंज हो जाएगा दस क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाएंगे लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहां जा रही है अभी तो जीडी थोड़ा सा दूर है तो अभी तो इस गलती को सुधार करते हो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज के जल से बन जाते हैं खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है ये वो क्वेश्चन नहीं है जो यूपीएससी आई के क्वेश्चन है ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं जो आपको करके दिखाने हैं बताइए इसका क्या राइट आंसर बनेगा मेरे भैया इसका राइट आंसर बनेगा ए कागज ठीक है ना इसका राइट आंसर बनेगा ए कागज चलो अगला क्वेश्चन करो मेरे भाई प्राकृतिक रबड़ का वलनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके जो रबड़ होता है उसको लचीला नहीं देखते तो एकदम बड़ा हम लोग भी बचपन में रबड़ उबड़ कहते सर ये तो बड़ा सॉफ्ट है बड़ा अच्छा है तो किस जिससे कि इसे अधिक लचीला बनाया जा सके सर बी ऑप्शन सल्फर अगला जय पदार्थों के सेव लेपन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सो समझ बताओ, सर में बुक, या लगेगा। है ना इसका क्या हो मेरे भाई जल में फॉर्मल और मैं यह बता दूं मैं भले आंसर ला दिया लेकिन मुझे यह एहसास है कि अस्सी प्रतिशत तुमको यह आता नहीं है तो इन क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा समस्याओं से भागना समस्या का हल नहीं है ठीक है ना समस्याओं से भागना समस्या का हल नहीं है समस्याओं से जूझना समस्या का हल है इस क्वेश्चन को सही सही बता दो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है तो मेरे भाई प्राकृतिक बहुलक है बी ऑप्शन सेल्युलस साइंस के दस क्वेश्चन खत्म अब हम लोगों ने दस क्वेश्चन पढ़ लिए पॉलिटी के अभी दस क्वेश्चन पॉलिटी के हुए दस क्वेश्चन जियोग्राफी के हुए दस क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए दस क्वेश्चन साइंस के अब दस क्वेश्चन हि, हिस्ट्री के किया जाए अच्छा ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने का ये पहले बताओ मुझे ठीक है ना और मेरे भाई मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जितने अभी पढ़ा रहा हूं ये यार आज ये किताब ऑर्डर करके मंगा लेना विश्वास करना दोस्त तुम्हारे जीडी या किसी भी अन्य वनडे एग्जाम में ये किताब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ये किताब आज ऑफर पे है इसको लेने के लिए वाई वन एट टू एस कोड का प्रयोग करोगे बेटा दो सौ तैतीस रुपए में तुम्हें सात विषय की किताब मिल जाएगी हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जितने क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूं सब इस किताब में दी हुई है और विश्वास करना दो सौ तैतीस और इसको लेने के लिए वो एक नीले रंग का लिंक दिया हुआ है जीके जी एस बुक देखो उस पर लिखा है उस पर एक बार क्लिक करके देखो तुम्हें मिल जाएगी ठीक है ना क्लिक करके देखो शुरू करें एक बार लाइक कर दोगे सभी लोग देख लो लाइक का रेशियो आधा है यार, आधा है लाइक का रेशियो ठीक है ना चलो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री अठारह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति का विप्लव हुआ था आज के सारे क्वेश्चंस मैंने इस किताब से तैयार किए हैं क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ाना है और तुम्हारा कहां पे कमजोरी है अभी अट्ठारह से क्वेश्चन करते तो तुम आंसर करके तुम ये सोचने लगते मेरी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है मैं सिलेक्शन ले लूंगा इतना आसान भी नहीं है संघर्ष का यह दौर ठीक है ना इतना आसान भी नहीं है संघर्ष का यह दौर क्योंकि मेरे दोस्त इसका आंसर पहले क्या है नील उपद्रव हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए आपको गिर करके भी आपको खड़ा होना चाहिए इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए तो आपको आपका संघर्ष करना ही पड़ेगा आपके हिस्से का अगला क्वेश्चन ये क्या है भैया कि सत्तावन के विद्रोह के ठीक बाद ये तो हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किसने किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था बताओ बताओ सोच समझ के बताओ सर क्या क्या यार इधर से बहुत चमक रहे हो लाइट कम कर दो तो हाँ यार वो प्रॉब्लम कर रहा है मुझे ठीक है ना बताओ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी तो सर इसका राइट राइट आंसर आंसर क्या बन जाएगा इसका राइट बनेगा आ, ये 1928 में बनी थी पंडित चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था दिल्ली में बनाया था और सर एक थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन उन्नीस सौ चौबीस में बनी थी और सचिन सान्याल जी ने बनाया था ठीक है ना सचिन सान्याल जी ने अगला क्वेश्चन तो इसका सी ऑप्शन अगला महात्मा गांधी कितनी बार ये वाला तो रटा है सर गलत हम करेंगे ही नहीं ठीक है ना ठीक है ना बताओ कि ये वाला तो रट गया है सर इसको तो गलत करने का चांस ही नहीं है मेरे भैया एक बार बने थे और मात्र 1924 में बने थे सब लोग जरा एक बार कमेंट बॉक्स में जिस जगह के वो बने थे उस जगह का नाम जरा एक बार बता दो ठीक है ना सब लोग जरा एक कमेंट में बता दो जिस जगह पे वो बने थे ठीक है ना हाँ एक ऐसे स्टूडेंट आए हैं उनके लिए, ठीक है ना तुम्हारे लिए एक सारी बोल दे रहे हैं वो बोल रहे हैं सर आप पढ़ाई कम अड्डा के लिए ज्यादा बोले अरे भैया अड्डा कहू तो अड्डा के लिए बोलूंगा लेकिन तुम्हारे लिए जो मोहब्बत करने के डर से डर जाए जो मोहब्बत करने के डर से डर जाए अरे वो ना करे मोहब्बत अपने घर जाए ये अतुल सर बोलते हैं तो जो मेरे क्लास में पढ़ने के डर से डर जाए अरे वो ना पढ़े अपने घर जाए क्योंकि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं वो एक स्टूडेंट है भाई समझ रहे हो ना ऐसे आ जाते हैं यार वो अलग लेवल पे खेलते हैं खेलने दो उनको चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था पूछ दोगे तो गायब बताओ तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था सोच समझ के बताओ चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था सर चंद्रशेखर आजाद का जन्म सी ऑप्शन झाबुआ मुझे तो इतना ही याद है झाबुआ मध्य प्रदेश अगला सूर्य सेन जी का प्रसिद्ध उपनाम बताइए सूर्य सेन जिन्होंने उन्नीस सौ तीस में आई एन ए की स्थापना की थी उनका नाम था मास्टर दा ठीक है ना उनका नाम क्या था मास्टर दा अगला अगला क्वेश्चन आपके गुरु जी किस व्यक्ति का उपनाम था बताओ 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 सोच समझ के बताओ। गुरु जी किस व्यक्ति का उपनाम था ठीक है ना बताओ याद रखना तुम्हारे हौसले से बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं जीता वही जो डरा नहीं तो डरना मत जीडी तुम्हारा है इस बार सत्तर हजार वैकेंसी है एक सीट तुम्हारी है गुरुजी कहा जाता था एमएस गोवलकर को अगला अली देसाई समझौता कब हुआ लियाकत अली अलग व्यक्ति है देसाई एक अलग व्यक्ति है अब तुमको बताना है कि लियाकत अली देसाई समझौता कब हुआ सोच समझ के बताओ लियाकत अली देसाई समझौता मेरे भैया लियाकत अली देसाई समझौता उन्नीस ईस्वी में ठीक है ना उन्नीस ईस्वी में लियाकत अली देसाई समझौता हुआ था ठीक है लियाकत अली देसाई अगला महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है सर इनका जन्म स्थान तो वाराणसी में है बनारस में इनका जन्म स्थान और इनका नाम मनु है छबीली है है और इनका विवाह हुआ था झांसी में इनके पुत्र पुत्र का नाम दामोदर था जो कि दत्तक पुत्र थे और राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन ग्वालियर के पास महारानी लक्ष्मीबाई को किस अंग्रेज ने मारा था यह भी कई बार पूछ देता और उसका नाम है ह्यूरोज ठीक है ना ह्यूरोज नाम के अंग्रेज ने अगला अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई थी ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं 99% परसेंट लोग गलत 99% परसेंट लोग गलत करेंगे और मैं ये जानकारी के लिए बता दू, सारे क्वेश्चन आज इस किताब से लिए गए हैं जो किताब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ऑफर में है लेकर रख लेना ये सब इसी किताब से लिए गए हैं ठीक है ना इसका राइट right आंसर आपके जफर खां अगला <coughs> दिल्ली के किस सुल्तान ने ये आसान है देख लो जैसे मैं उसको कहा ना इसको निन्यानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत लोग कहेंगे गुरु जी हम सही करेंगे क्योंकि सर हमको पता है यह अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था यह उपाधि उसको आपके आमिर खुसरो ने दी थी अपनी किताब खजाइनुल फतू में दी थी अगला क्वेश्चन अब देखो दस क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के पढ़ लिए दस हम लोग हिस्ट्री के पढ़ लिए दस हम लोग जियोग्राफी के पढ़ लिए दस हम लोग आपके साइंस के पढ़ दस दस सब के पढ़ लिए लिए के अब क्वेश्चन अफेयर सर क्या करेंट अफेयर भी इस किताब में दिए नहीं मेरे भाई सात सब्जेक्ट दिया है करंट नहीं दिया है करंट अफेयर के लिए आप डेली सुबह मेरे साथ आठ एम पे जुड़ सकते हैं डेली ठीक है ना और हां कल शाम को सात बजे तुम्हारी क्लास है एक बार सभी लोग अच्छा इसमें से कितने लोग जानते हो कि मैं एक, एक, एक बहुत तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं मिनट शो so, इसको कितने लोग जानते हो ये जो मैं क्लास लेता हूं so, इसको कितने लोग जानते हो कल बहुत दिन से सब लोग कह रहे थे सर द टेन मिनट शो लीजिए कल शाम को सात बजे तुम लोगों का भले छुट्टी है लेकिन कल तुम लोगों को शाम को सात बजे द टेन मिनट शो के दस शो मैं लेने वाला हूं दस सो का मतलब दस क्लास इसकी लेने वाला हूं जो शाम सात बजे शुरू होगा हर सेट में आपके दस आपके कम से कम मतलब सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन हैं और आप सभी को एहसास होगा कि द टेन मिनट शो इसी एस एस अड्डा पे उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कोई स्टूडेंट जाकर के देख लेगा कि उसकी वैल्यू क्या है मेरे जितने एस एस अड्डा के स्टूडेंट हैं यूं कह लू तड़प से जाते हैं कि सर द टेन मिनट शो कर दो और कल शाम में सात बजे ऐतिहासिक द टेन मिनट शो होगा जिसमें मैं द टेन मिनट शो के दस टॉपिक कवर करूंगा चाहे वो अवार्ड हो ऑनर हो डेथ हो आर्मी एक्सरसाइज हो या फिर आपके समिट्स हो सारे करेंट अफेयर के टॉपिक कल और मैं ये वचन देने को रेडी हूं पूरे विश्वास के साथ कहने को रेडी हूं कि कल शाम को जो मैं दस द टेन मिनट शो लूंगा उसमें से दो नंबर तुम्हारे पेपर में रहेगा दो से तीन मिनिमम दो नंबर ये मैं कल लिखने के लिए रेडी हूं ठीक है ना मिनिमम दो नंबर कल तुम्हारे पेपर में अब चलो आउट करेंट अफेयर पे आ जाए ठीक है ना अब अब सब लोग आज से अलार्म लगा लेना कि कल आशुतोष सर टेन मिनट हो लेंगे ठीक है अलार्म सेट ना चलो अगला आ जाओ निम्नलिखित में से किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन की शुरुआत की बताओ दुग्ध मूल प्रोत्साहन अगला निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से भी बड़ा तारा ग्रह खोजा है आंसर करके देखो और अगर ये दस क्वेश्चन कर लिए तो फिर दस दस क्वेश्चन के दस सेट तुम्हारे लिए तैयार हैं इसका आंसर है बी ऑप्शन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य ने बस पचासवें क्वेश्चन पे करंट अफेयर खत्म बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है बताओ तो सर उसका नाम है तेलंगाना नेक्स्ट पीएम मोदी द्वारा राशन आपके ग्राम योजना कहां पर शुरू की गई है बताइएगा राशन आपके ग्राम योजना कहां पर शुरू की गई मेरे भैया राशन आपके ग्राम मध्य प्रदेश नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय तो ये तो मध्य प्रदेश हो गया <coughs> <coughs> उसके अलावा आपको बतावे कि ये चीज ठीक है ना ऐसे अगला अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के 2022 एम के दो हजार लिए के अध्यक्ष चुना गया है सर भारत को चुना गया है इंपॉर्टेंट बनेगा ठीक है ना मेरे भैया ये क्या बनेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा अगला क्वेश्चन देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने अपने प्रत्येक नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस दिया है थोड़ी सी पुरानी न्यूज है लेकिन है ये ठीक है ना तो इसका राइट right आंसर है आपके सी ऑप्शन राजस्थान अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है सर अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस बी ऑप्शन पंद्रह मई को मनाया जाता है ठीक है ना मेरे भाई यह कब मनाया जाता है पंद्रह मई को मनाया जाता है अगला भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी समेत किस राज्य में स्थापित किया गया बताओ और अगर तुम लोग चाहोगे तो अभी 50 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा 10 10 के फॉर्मेट में लेकिन सब लोग बस बने रहो एक बार शेयर कर दो ए ऑप्शन इसका राइट है मेरे भाई ए ऑप्शन इसका राइट है कर्नाटक बीएसएफ ने अपना पहला ऊंट सवारी स्क्वाड को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने का निर्णय लिया है बी का मुख्यालय कहाँ है सर बी का मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में ठीक है तो पचासवा किस राज्य ने अपने सचिवालय परिसर का नाम भीमराव अंबेडकर बी आर अम्बेडकर ठीक है ना भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का निर्णय ये अभी के करंट अफेयर है और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन आपके तेलंगाना ठीक है ना इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई सी ऑप्शन तेलंगाना अब पॉलिटी के फिर दस क्वेश्चन किया जाए अब तक हम लोग पचास क्वेश्चन पढ़ चुके दस पॉलिटी दस जियोग्राफी दस हिस्ट्री दस साइंस और दस आपके क्या कहते हैं करेंट अफेयर के ये हम लोग पढ़ चुके एक राउंड फिर से पढ़ा जाए दूसरे क्वेश्चन अब ये वही वाले क्वेश्चन नहीं है अब नए दस क्वेश्चन दस दस का फॉर्मेट फिर लाऊं यार बड़ी एनर्जी के साथ तुम लोग को पढ़ाता हूं बड़ी उम्मीद के साथ कि यार एक लाइक तो बनता है ना तो दोस्त क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं भैया एक बार सब लोग शेयर करके आ जाओ सब लोग शेयर करके आ जाओ और सभी को बता दूं दोस्त ये किताब आपके लिए जरूरी है ये विश्वास कर लो इसमें एक नीले रंग की पट्टी चले उस पट्टी पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हें क्या ये किताब मिल जाएगी वाई वन एट टू एस कोड क्या लगाना है कोड लगाना है और यह आज किताब तुमको दो सौ तैतीस रुपए में मिल जाएगी कूपन कोड याद रखना यही लगाना है कूपन कोड ठीक है ना क्योंकि आज इस कूपन कोड पे इस किताब पे ऑफर चल रहा है ठीक है अगर पहला क्वेश्चन प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता सर प्रेस की स्वतंत्रता है भाषण की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री आर्टिकल उन्नीस ए अगला आ, ट्वेंटी वन ए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को, को मान्यता किस आधार पर दी गई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है संविधान के अनुसार उनको किस आधार पर दिया गया है तो मेरे भैया ये आपके है ऑप्शन धर्म के आधार पर प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे सर शुरू शुरू में सात दिए गए थे लेकिन संपत्ति का अधिकार उसमें से समाप्त किया गया और ये कितने हो गए मेरे भाई आपके साथ हो गए वर्तमान में छे हैं वर्तमान में छे हैं निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बताइएगा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है एक लोग पूछ रहे हैं सर आपकी तबीयत कैसी है दोस्त मेरी तबीयत अच्छी नहीं है लेकिन मैं पूरी एनर्जी लगा करके दवा खा करके आराम से क्योंकि मुझे पता है कल तो आराम करना है लेकिन कल शाम को आपकी क्लास है यह बात याद रखिएगा इसका राइट आंसर है बी बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटे जारी की जा सकती है सोच समझ के बताओ उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटे जारी की जा सकती है सर पांच प्रकार की रिट जारी कर जा की जा सकती है ठीक है पांच प्रकार अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है हाँ है, ये उसका कैसा राइट है जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं उनको भी कई भाग में बांटा गया है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव से संबंधित विवाद को जो वो सॉल्व करता है ये उसका है आपके फंडामेंटल राइट ये है उसके आपके फंडामेंटल राइट ठीक है ना मेरे भाई अगला क्वेश्चन भारत का उपराष्ट्रपति होता है सर भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ठीक है ना राज्यसभा का क्या होता है मेरे भाई पदेन अध्यक्ष होता है ये ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगला भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए मजेदार बात है राष्ट्रपति सर क्वेश्चन को क्या तुम बोले यार कमेंट नहीं पढ़ पाया राशिफ तुम्हारा सी ऑप्शन अगला क्वेश्चन भारत का पहला अराजनीतिक मतलब उनका राजनीति के फील्ड से कोई संबंध नहीं था ठीक है ना राजनीति के फील्ड से कोई संबंध नहीं था लेकिन वो देश के राष्ट्रपति बने ऐसा तो एक ही नाम दिख रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाई ये ये साइंटिस्ट थे थे राजनीति में तो थे नहीं, ये बात तो नहीं बात तुम्हें भी क्लियर है और इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्त बी ऑप्शन मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा विधि मंत्री द्वारा या कानून विधि मतलब तो लॉ मिनिस्टर या मौलिक अधिकार यह आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति इमरजेंसी के समय निलंबित कर सकते हैं उनमें से भी कुछ अधिकार वो नहीं कर सकते हैं ठीक है ना जैसे आर्टिकल बीस और इक्कीस को वो इमरजेंसी का समय भी नहीं कर सकते अब फिर जियोग्राफी के दस क्वेश्चन लाए और तुम लोग महसूस करना कि जियोग्राफी में देखो तुम्हारी स्थिति क्या है ठीक है ना <coughs> तबियत तो खराब चल रही है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना अपने कर्म से तो पीछे नहीं हटा जा सकता शुरुआत करें ठीक है ना चलो निम्नलिखित पर विचार करिए ठीक है, है? उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार भी जीडी के पेपर में रहे हैं क्योंकि यह कोई टफ क्वेश्चन नहीं है यह पृथ्वी के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन है ये अलग की बात है हमें आपको न याद रहे सब के सब पृथ्वी के गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं मैंने इसीलिए सारे कारण एक जगह कर दिए जबकि यह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा था निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है अब बताओ ये पठार के नाम है कुछ कुछ और यह कुछ पर्वत है जरा मैच कराओ सर गड़बड़ है सर हमसे एक नहीं बनेगा सांस छूट रहा है ना पसीना छूट गया ना क्वेश्चन करने में कोई करके दिखा दो और मैं कहता हूं निन्यानबे प्रतिशत गर्ल्स बॉयज इसको गलत करने वाले हैं जियोग्राफी में अपनी स्थिति देख लो और इसका आंसर है बी एटलस उत्तर पश्चिम अफ्रीका बस वही सुमेलित है फ्रांस तथा स्पेन के बीच अच्छा देखो क्या यह क्वेश्चन पहले तो जो रेगुलर मुझे देखते हैं वो ये बताएं मैंने दस बार बताया होगा किन दो देशों के बीच में कौन दो बाउंड्रीज हैं। अब अगर आज आप ना कर पाओ तो क्या मेरी गलती नहीं यार डी ऑप्शन पेरनीज अगला रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है बताओ रेड क्लिफ लाइन किन दो के बीच में सीमा निर्धारित करती है सभी को पता इसका आंसर बताओ रेड क्लिफ सर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से भारत एवं पाकिस्तान के बीच में अगला निम्न पर्वतों में से कौन सी टर्सियरी पर्वतिकरण का परिणाम नहीं है बताओ निम्न यार तुम लोग शेयर नहीं किया और अभी तक लाइक नहीं किया कम से कम 700 ऐसे स्टूडेंट है 600 से 700 जो लाइक तक नहीं किया ये बात तो गारंटेड है खुद देख लो अगर लाइक किए होते तो लाइव और लाइक में डिफरेंस देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा तो सात ऐसे है लगभग ठीक है ना बी ऑप्शन अल्पेशियन सैतान का गोल्फ कोर्ट या हॉलीवुड जैसा फीलिंग दे रहा है सैतान का गोल्फ कोर्ट नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहां स्थित है सर डेथ वैली स्थित है यूएसए में ठीक है यूएसए में अगला निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमालय काल कहा जाता है बताओ लघु हिमकाल कहा जाता है सो समझ बताओ सर लघु हिमकाल कहा जाता है आपके अः से 1870 को अगला निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है तुम खुद महसूस कर रहे होगे कि जियोग्राफी तुम्हारा थोड़ा वीक चल रहा है ठीक है ना इसका राइट आंसर है मेरे भाई डी ऑप्शन लेक। अगला हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा तो हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है इन कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन ग्लेशियर महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में सबसे ज्यादा जियोग्राफी का लास्ट जरा इनको मैच करा के देखो मैच करा के देखो शायद तुम्हें डी डी ऑप्शन न दिख रहा हो लेकिन मैं इसका बता दूं कि डी सही है इसका आंसर सही है दो चार एक तीन ठीक है ना ए बी सी डी ये इसका इसका राइट राइट आंसर आंसर है 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 ठीक ठीक ना ये मेरे भाई इसका राइट है, ठीक है? तुम्हें डी नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने दे दिया जरा इसको देख लेना ये सारे क्वेश्चन दोस्त सारे के सारे क्वेश्चन इस किताब में दिए हैं आज इस किताब के ऊपर ऑफर है तो मैं तुम्हें एक, एक एहसास कराना चाह रहा था दोस्त कि भाई ये ये किताब एक बार लेके 250 पेज है इसमें सात सब्जेक्ट है इसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी ऑफर चल रहा है और तुम्हारे लिए कोड कोड है मेरे भैया और इस से तुम्हें ये किताब दो सौ तैंतीस रुपए में आज मिल जाएगी यह है तुम्हारा कूपन कोड बाकी यार देखो मैं ना सिर्फ कह सकता हूं रिक्वेस्ट कर सकता हूं निर्णय लेना न लेना यह तो आपके हाथ में है मेरे हाथ में नहीं है ठीक है ना और अब वो नीले रंग की एक लिंक दी हुई है जो ये सोचे कि सर इस बुक को कहां से खरीद सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करोगे इस कोड का उपयोग करोगे बुक को परचेस कर पाओगे ठीक है अब आ जाओ साइंस के दस क्वेश्चन कर लें शुरू करें चलो वह विकार जिसमें रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता अधिक हो जाती है डिसऑर्डर इन विच ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई उसको सर हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइमोसेमिया ठीक है ना हाइपर अगला हार्मोन एक उदाहरण है किसका रेनिन का, प्रेपिन का ऑक्सीटोसिन का या साइटोसिन का बताइएगा सर इसका उदाहरण है आपके सी ऑप्शन नमक है बताओ क्या इसका राइट आंसर बनेगा मेरे भाई भाई इसका राइट आंसर बनेगा फ्लोराइड ठीक है ना इसका राइट आंसर क्या बनेगा फ्लोराइड कि भैया दांत वात ना सड़े तुम लोग जिसको दांत काटना चाहते हो जाके भरपूर काट लो ठीक है मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक जितना तुम लोग को प्यार मोहब्बत महसूस होता है ना सब इसी की वजह से महसूस होता है बाकी कोई प्यार मोहब्बत जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है बाकी हाथ दिमाग में खुराफात है तो है अब उसके लिए क्या करें हम ठीक है ना उसके लिए क्या करें हम चलो <coughs> हाँ यार प्यार मोहब्बत से एक शायरी याद आ गई ठीक है ना एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है ना यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा ये यूपीएससी का एग्जाम क्वेश्चन बट छोटे छोटे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे यूपीएससी का पूछ लिया लो तुम्हारे लिए जब चाह जज्बात से खेला जब चाह दिल तोड़ दिया ठीक है ना तुम्हारे लिए जो यूपीएससी की की बात की बात कर रहे हो यूपीएससी के नाम पे तो दिल धड़क जाता है और उन दोस्तों के लिए कि जब चाह जज्बात से खेला जब चाह दिल तोड़ दिया हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया ठीक है ना तो चलो अब आ जाओ भैया तो, हाँ बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ दिया right व्यक्ति में बीमारी पहुंचाता है सर, उसे बहुत हैं। नहीं अपना वो मास्क वास्क लगा के टहल रहा है सर वैसे उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर ये वेक्टर है ठीक है ये क्या है वेक्टर है मेरे भैया ठीक है ना वेक्टर अगला छाती की गुहा में कौन सी अंत ये ये जो पोषण है उसमें कौन से ग्रंथि पाई जाती है थाइमस. अगला नीली क्रांति किससे संबंधित है यह तो आसान है ना नीली क्रांति सर नीली क्रांति किससे संबंधित है फिशरीज से बीओडी 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 का 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 पूर्ण 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 रूप 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 क्या है? रूप क्या है 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 बताओ सर सी ऑप्शन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अच्छा पढ़ाते पढ़ाते एक बार पूछ लू कल मेरी क्लास कितने बजे होने वाली है द टेन मिनट शो की जिसमें मैं सौ से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं अब आंसर करके दिखाओ कल मेरी क्लास कितने बजे होने वाली है टेन मिनट सो की, जिसमें मैं सौ से ज्यादा टेन मिनट शो की क्लास लेने वाला हूं अब जरा आंसर करके दिखाओ और कल के क्लास से कम से कम तीन से चार नंबर कंफर्म रहेगा यह बात याद रहे ठीक है अब तुम लोग टाइप करोगे तब तक मैं इसका आंसर कर दूं मिनट मी, मिनट माटा ठीक है मिनट माटा रोग ये डी ऑप्शन मरकरी पारा से अगला मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये है मेरे भैया सी ऑप्शन फीमर ठीक है ना फीमर रोग अरे पगला फेमूर नहीं होता है अब दस क्वेश्चन हिस्ट्री के कर ले दस क्वेश्चन हिस्ट्री के कर ले मेरे लल्ला शुरू करें हिस्ट्री दस क्वेश्चन ये करेंट अफेयर्स सात बजे है करेंट अफेयर सात बजे अब कल द टेन मिनट सो चलेगा शाम को सात बजे ठीक है कल द टेन मिनट सो चलेगा

कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है महरौली स्तंभ इस पात की अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है कि भैया उस पर जंग नहीं लगता है ठीक है ना जंग ही नहीं लगता है अगला अशोक के शिला लेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है चार लिपि खरोष्ठी अरेमाइक ग्रीक और ब्राह्मी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्राह्मी नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन मेरे भैया अगला क्वेश्चन इस पे आ गया ये आर्यभट्ट और कालीदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे सर ये तो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य उर्फ गुप्त वंश के साम्राज्य में थे बी ऑप्शन ठीक है अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है अच्छा ये जो 10 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कैसा लग रहा है दोस्त ईमानदारी से बताओ मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी फॉर्मेट है बृहद अन्नागार जो अन्न रखने का स्थान है रामचरित मानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है मैंने इस किताब में ये सारी चीजें समाहित कर दी हैं। ये सात सब्जेक्ट की किताब है जो तुम्हारे जीडी के लिए सीजीएल के लिए स्पेशली वनडे एग्जाम के लिए लाया गया है ठीक है ना तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन अवधि अगला किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया ठीक है ना बताओ 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 क्या इसका आंसर होगा बताओ <laughs> इसका राइट आंसर बताओ एक कमेंट आया वो पढ़ के मुझे थोड़ा आ, मजा भी आया हंसी भी आया लेकिन अब छोड़ो जाने दो ठीक है ना गई एक लोग बड़ा अच्छा शायरी बोल रहे हैं ठीक है ना चलो अगला देखते हैं महान सिकंदर का जन्म कब होता महान क्या यार आया था भारत पे जो हमला किया वो हम लोग के लिए महान तो हो नहीं सकता तो हम उसको महान तो मानेंगे नहीं ठीक है ना महान तो मानेंगे नहीं अब टॉप टेन क्वेश्चन करेंट अफेयर के भी एक बार और कर लिया जाए बस दस क्वेश्चन और ठीक है दस क्वेश्चन माना मेहनत कर लियो आज आज खूब पढ़ लियो आओ मेहनत कर लो निम्न में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये इसी बार हो रहा है ये जो 2022 हजार का इसी बार और इसका राइट आंसर आपके न्यूयॉर्क अगला अभी हाल ही में डुरंट कप का खिताब किसने जीता है कल शाम को सात बजे आपकी क्लास है और ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको सुबह आठ बजे मेरी डेली के सोमवार से शनिवार के करंट अफेयर में जुड़ना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मतलब लड़की लड़का एक समान एक समान वेतन और इसका राइट right आंसर है मेरे भाई सी ऑप्शन 19 सितंबर निम्न में से किस दिन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्ला की तिथि मनाई गई है सो समझ के बताओ किस दिन तिथि मनाई गई है मेरे लल्ला अरे यार जबरदस्त ढंग से खेला करो इसका राइट आंसर बनेगा सी ठीक है ना अगला क्वेश्चन <coughs> निम्न में से किस राज्य में अभी हाल ही में अपना सत्रहवा पक्षी आवरण कुछ दिन पहले का करेंट अफेयर है मेरे बहुत सारे दोस्तों को आंसर पता होगा और इसका राइट आंसर आपके डी ऑप्शन तमिलनाडु टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने अगले पांच सालों के लिए जो एक नया प्लान लाया है अपना उस प्लान को क्या नाम दिया गया है तो उस प्लान को नाम दिया गया है विहान ए ठीक है ना एयर इंडिया डॉट ए आई मतलब एयर इंडिया अगला विज्ञान प्रगति को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हालांकि कल कल शाम सात बजे जरूर है ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे विज्ञान प्रगति ये जब हम लोग हिंदी दिवस मना रहे थे चौदह सितंबर को तो हिंदी दिवस पे राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रीय राजभाषा गौरव पुरस्कार दो पुरस्कार दिए जाते हैं इस बार ये एक पत्रिका है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति जो सी छापता है बड़े आसान भाषा में वो चीजों को समझाता है बजरंग पुनिया ने अभी हाल ही में आयोजित ठीक है ना बजरंग पुनिया ने अभी हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कान से पदक जीता है वह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई तो सर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी सर्बिया में ठीक है सर्बिया में अगला अभी हाल ही में हरिकेन फियोना ने प्यूटो रिको नामक द्वीप पर भारी तबाही मचाई है यह द्वीप किस देश में स्थित है प्यूटो रिको दोस्त आपके अमेरिका में स्थित है लास्ट क्वेश्चन आज का अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है अंबेडकर और मोदी नामक पुस्तक ए ऑप्शन रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखी गई है अब मेरे वो दोस्त पहले वो दोस्त चले जाए जिन्हें इस बार लगता है कि नहीं सर अब हम पर्याप्त हैं लेकिन वो दोस्त रुक जाए जिन्हें इस बुक का महत्व तो समझना है जो लोग ये किताब ले लिए हैं थैंक यू सो मच लेकिन मेरे दोस्त जो लोग नहीं लिए हो आज आखिरी मौका है ऑफर का लास्ट डेट है नीली पट्टी मैंने लगवा दी है आज आप इसको ले सकते हो सबसे सस्ते रेट पे मैं किताब की इतनी बढ़ाई क्यों कर रहा हूं जानना चाहोगे क्योंकि दोस्त इस एक किताब में आपके जीडी के सात सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी में टॉपिक वाइज हमने और पवन सर ने कवर किए हुए हैं मैं इस किताब के बारे में थोड़ा तुम्हें बताता हूं सुन लो बाकी तुम्हारी इच्छा और अगर तुम्हें लगे कि सर दो सौ रुपया में सात सब्जेक्ट पढ़ना फायदेमंद है तो लेना और अगर तुम्हें लगे कि अब आशुतोष सर टाटा बिरला अंबानी बनना चाहते हैं तो मत लेना मेरे भाई समझ रहे हो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि हर सुबह की शाम होती है हर संघर्ष का एक नाम होता है और उसका एक दिन अंत होता है लेकिन संघर्ष सही दिशा में हो सही से हो तब होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं इस किताब को लेने का तरीका भी मैं तुम्हें दिखाता हूं बताता हूं लेकिन सबसे ज्यादा आसान जानते हो क्या है आज मैंने वो नीले रंग की पट्टी लगवाई हुई है उस पर एक क्लिक मार दोगे तुम्हें यह किताब मिल जाएगी इस किताब को लेने के लिए गूगल पे जाओ

उद्देश्य ये नहीं कि कि दो सौ यार सात सब्जेक्ट जानते हो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या हैं इसमें दोस्त सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी फिजिक्स केमेस्ट्री बायो ठीक है ना बायो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर तुम ईमानदारी से बताओ इन सात से बाहर तुम्हारे जीडी के पेपर से जाएगा पिछली बार हम लोगों ने हमने अतुल सर अक्षय सर ने तैतीस पैंतीस तैतीस हजार थर्टी थ्री थाउजेंड स्टूडेंट को लाइव पढ़ाया था 18,000 हजार से ज्यादा स्टूडेंट पिछली बार एसएससी अड्डा के पास डेटा है दोस्त हम लोग के द्वारा सिलेक्ट करवाए गए थे इसी में से बहुत सारे आते हैं सर कहते हैं कि हमारा मेडिकल है उन पूरे अनुभव का प्रयोग करके ये किताब लिखी गई है ऐसा नहीं है कि इसको खरीदने में पूरी संपत्ति लुट जाएगी ऐसा नहीं है मेरे दोस्त लेकिन विश्वास करो आज वाई वन एट टू एस से दोस्त आज तुम्हारे ऊपर इस कोड से ऑफर चल रहा है आज इस कूपन कोड का प्रयोग करके ये किताब तुम्हें दो सौ तैतीस रुपए में पड़ जाएगी अड्डा के ऐप से इस किताब में दोस्त हर चीजें टॉपिक वाइज लिखी गई हैं और ये किताब खरीदने के दस से बारह दिन आठ दिन पंद्रह दिन में आपके पास पहुंच जाएंगी हाँ, कुछ लोगों के पास पहुंचने में लेट भी हो रहा होगा क्योंकि उनकी दिल्ली से डिस्टेंस ज्यादा होगा आजकल बारिश का मौसम चल रहा है थोड़ा सा तो है कि सर हमारा कर्नाटक नहीं पहुंचा दोस्त थोड़ा सा समय लगेगा उसके अलावा दोस्त बताएं मैं आपको बताऊं हाँ अभी एक चीज ये समझना जैसे मान लो कि फिजिक्स में लाइट चैप्टर है अब इस लाइट चैप्टर में लिखने को एक हजार बातें लिखी जा सकती हैं लेकिन हमने और पवन सर ने सिर्फ वही बातें लिखी जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं या आई हैं या पूछी जा सकती हैं ये हमने लिखा है इस हिस्ट्री में अनेक चीजें बाबर के बारे में लिखी जा सकती हैं लेकिन इस किताब में पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें लिखी गई जो बाबर से या तो आ चुकी हैं या आने की संभावना है ये बात है तो दोस्त हमने राइटर बनने की कोशिश नहीं की है हमने एक कोशिश की है कि तुम्हारे राज्य बिहार एमपी उड़ीसा कर्नाटक उत्तर प्रदेश का तुम कांस्टेबल एसआई दरोगा पटवारी सिविल कोर्ट और बिहार सीजीएल कुछ भी भरे हो सीजीएल का एग्जाम तो यह किताब तुम्हें काम आवे ये है हम लोग का उद्देश्य ठीक है ना और मैं आपको बता दूं कि यह किताब खरीदने के 10-12 दिन यार दिल्ली से ऑर्डर होके जाने में समय लगता है क्योंकि आज ऑफर का आखिरी दिन है और कूपन कोड है Y182S तो मैंने यह लिंक लगवा दी है आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त दो रुपए तुम्हें भी पता है बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन यार ना अगर सपना देखना तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है सबसे बड़ी बात तो यह है तुम्हें रैंक लगाने की सोचनी चाहिए ये जो तुम चिंता में में पड़े हो ना जीडी होगा कि नहीं सीजीएल में होगा कि नहीं यार सबसे पहले खुद से लड़ना सीखो खुद से जीतना सीखो जब तुमको अपने ऊपर डाउट है तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं जीता सकती है महसूस करना सीखो कि जो तुम कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो और अगर तुम्हें पढ़ने में डर लग रहा है तो सही लग रहा है जिस काम में तुम्हें डर लगे अगर वो सही काम है तो वो काम निश्चित करो क्योंकि डर इस बात बात का सिंबल है है कि तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम उसको पा जाओ ये बात याद रखना अगर तुमको पढ़ने में जीडी के एग्जाम हॉल में डर लगता है तो ये बात मान लेना कि तुम्हारा मन चाहता है तुम्हारी आत्मा चाहती है कि वो एग्जाम तुम्हारा हो जाए समझ रहे हो ना जिस काम में तुम्हें डर लगे तुम सही कर रहे हो अब ये मैं अपराधों के लिए नहीं कर रहा हूं पढ़ाई से आपके संबंधित कह रहा हूं तो ये एक छोटी सी किताब जो हमने और पवन सर ने आपके लिए लाया यार सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि इस किताब से जुड़ जाओ आज देखो ये किताब 299 रुपए की है लेकिन चूंकि आज ऑफर चल रहा है कूपन कोड आपके लिए मैंने दे दिया है तो ये आपको 233 रुपए में आज पड़ जाएगी और कूपन कोड है Y182S और मैं ये भी बता दूं कि जीडी के समय यही किताब जीडी का जब एक बार फॉर्म आ जाएगा यही किताब 500 रुपए तक जाएगी तो मेरे दोस्त मेरे भैया आज ऑर्डर कर लो प्लीज और प्लीज क्योंकि आज ऑफर है बाकी यार इतना ज्यादा समझाना मुझे भी मतलब व्यर्थ कभी-कभी लगने लगता है कि यार अपना अच्छा मैं तुमसे ये तो नहीं कह रहा कि भैया ये काम कर लो अरे यार किताब कह रहा हूं तुम्हारे हर एग्जाम में काम आएगी ठीक है ना पेमेंट दोस्त पेमेंट करने के लिए ना वो देखो एक नीले रंग की पट्टी दी हुई है तुम्हारे कमेंट बॉक्स में देखो ठीक है ना उस पट्टी पे जाके क्लिक कर दो जो लिंक दी है तुम्हारा जैसे जैसे मोबाइल चल रहा होगा तुम मोबाइल में लेक्चर देख रहे होगे ना ऐसे देखो मैं दिखा दे रहा हूं अभी देखो यूट्यूब खोल रहा हूं ये यहां पे उसमें नीले रंग की देखो पट्टी चल रही है उस पट्टी के ऊपर जाके खाली क्लिक कर दो ठीक है उस पट्टी पे जाके क्लिक कर दो तुम ऑटोमेटिक बस कोड उपयोग कर लेना ये जो कूपन कोड दे रहा हूं इस कूपन कोड का उपयोग कर लेना बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है ना ये देखो कहां चल रहा है भैया यहां पे रुको ये ये देखो ये मेरा लेक्चर चल रहा है अभी तो दो मिनट ऐड भी आएगा तो ये भी चक्कर है ना youtube पे देखो यहां पे ए, ये अभी तो बिरयानी का ऐड चल रहा है खैर ये देखो ये तुम लोग का लेक्चर चल रहा है और यहाँ पे ये देखो ये मैं हूं यहाँ पे जो तुम लोग का लाइव चैट है ये नीले रंग की पट्टी दिख रही है इस पे देखो ये नीली पट्टी इस नीली पट्टी पे तुम्हें क्लिक करना है ठीक है तो ये बुक तुम तक पहुंच जाएगी ठीक है ना ये बुक तुम लोग तक पहुंच जाएगी ठीक है ना तो थैंक यू सो मच देखो यहीं पे वो नीली पट्टी है तुम लोग को भी दिख रही होगी ये नीली पट्टी इसमें ये लिंक पे क्लिक कर दिए और देखो इस पे ये खुलने लगा ठीक है ना इस पे देखो ये किताब आ गई खुल करके ये किताब आ गई अब इसमें आने के बाद आपको क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पे बाई नाउ जहां लाल रंग का दिख रहा है बाई नाउ वहां के नीचे दो सौ निन्यानवे और व्यू ऑफर लिखा है व्यू ऑफर पे चले जाओ और ये वाला कूपन कोड लगा दो

इस वाली पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू कर लूंगा आपका एड्रेस वगैरह फोन नंबर वगैरह पूछेगा वो करके आप कर लोगे ठीक है ना बेटा लेकिन मेरी बात तो अंकित सुन रहे हो ना तो इस तरीके से तुम ले लो बस वो लिंक पे क्लिक करो यार कोई बड़ी कठिन बात थोड़ी तुमको बता रहा हूं ठीक है ना लेकिन आज ऑर्डर कर लेना क्योंकि ये ना ऑफर खत्म हो जाएगा आज भर का मेरी किताब है मैं यहां मौजूद हूं पवन सर यहां मौजूद है कूपन कोड वाई वन एट टू एस उपयोग करो अभी कर लो ठीक है ना बिल्कुल पीटी एग्जाम सभी के लिए काम है इंग्लिश में नहीं है शुभम कुमार इंग्लिश में नहीं है मेरे भाई मैनेज करना पड़ेगा इस बुक को आपको हिंदी में ठीक है ना लेकिन ये वादा है ये किताब लेके तुम पछताओगे नहीं सात सब्जेक्ट है मजा आ जाएगा तुम्हें ये पढ़ने में थैंक यू सो मच एक बार लेक्चर को लाइक करते हो जाना यार देखो ये चार लाइक कम है चार लोग कम से कम लाइक तुरंत कर दो तो कम से कम छब्बीस सौ पहुंच जाए यार ठीक है ना चलो थैंक यू सो मच अपना और अपनों का ध्यान देना वाई वन एट टू कोड आज ऑफर कोड चल रहा है कूपन कोड कंपनी का इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक है मेरे भैया तो चलो जय हिंद जय भारत कल शाम सात बजे आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच